अब राजू यहां पे आके अटक गया, चरणों में गिर गया राजू। सर कहे तो सही रहते log x dx, यहां पे फंस गया मेरा log t dt। सर इसे कैसे करूं, ये तो पढ़ाया नहीं है। ये सर ये तो पढ़ाया नहीं है, कुछ पढ़ा था सर, इसमें लगेंगे 7-8 मिनट। ऐसे निकालेगा तू IIT, ऐसा करेगा तू IIT। अब राजू कर रहा IIT की तैयारी, 3 साल से पढ़ रहा IIT के लिए, राजू का IIT क्लियर नहीं हो रहा कॉलेज में। IIT इसलिए करो क्योंकि टफ है, और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइफ। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चा बच्चा जानता है, किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए आप लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, 90% बच्चे तो जानते हैं लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। हमारा रजुआ भी जानता है, राजू हमारा, राजू बच्चा हमारा स्टूडेंट है, कुछ भी पढ़ा तो एक बार में रट लेता है और कभी भूलता नहीं है। कुछ भी पढ़ा दो रट लेता, तुरंत रट्टू मार लेता, चाहे समझ में आए या ना आए रट लेगा, बाद में पूछो सुना देगा धड़ से। तो राजू से पूछा, बेटा राजू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ जरा। सर 1/x पढ़ाया तो था उस तारीख में, उस डेट में, उस टाइम में। राजू ने टाइम के साथ बता दिया। अच्छा बेटा राजू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बताना। सर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन भी होता है? सर मैंने तो वही फॉर्मूले याद करे, इंटीग्रेशन में जो डिफरेंशिएशन के उल्टे होते हैं, रिवर्स एंटी डेरिवेटिव वाले। अच्छा ऐसे निकालेगा तू IIT, ऐसा करेगा तू IIT। अब राजू कर रहा IIT की तैयारी, 3 साल से पढ़ रहा IIT के लिए, राजू का IIT क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि रट तो लेता समझ में आता नहीं है। तो ये कहीं काम जो राजू के साथ जो हो रहा है 3 साल से, वो आपके साथ ना हो जाए। क्या लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं? क्या आप अपने टाइम को कैसे बताएंगे? अब राजू बोला, सर हाँ कुछ पढ़ाया तो था आपने, वो इंटू में 1 मान लेना और इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा लेना, थोड़ा बहुत आपने भी पढ़ा होगा, चलिए सिखाएंगे। सर कि लॉग एक्स के इंटू में 1 मान लेना और कुछ आपने सिखाया था, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। हाँ सर निकाल तो लूंगा मैं। बेटा कितनी देर लगेगी? राजू से पूछा कितनी देर लगेगी? बोले सर 7-8 मिनट तो लग ही जाएंगे। ऐसे निकालेगा तू IIT? ऐसे निकलेगी तेरी IIT? ऐसे करेगा तू कॉम्पिटिशन दुनिया से? तो सर इसकी दिक्कत क्या है? सर इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? हमारे पास तो आज तक ऐसा सवाल आया नहीं सर जहां पे लॉग एक्स का इंटीग्रेशन सर पूछा गया हो। अच्छा बेटा तो एक सवाल देते हैं, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कुछ खास नहीं है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कुछ खास नहीं है, इसकी जरूरत, इसकी नीड खास है। अब देखो आप, तो आपके साथ वो राजू वाला काम ना हो जाए। अब सपोज कर लीजिए भैया मेंस में सवाल आ गया कि log tan इनवर्स x/1 + x² dx। राजू ने तुरंत हाथ खड़ा कर दिया, सर मैं कर दूंगा। बेटा आ जाओ स्टेज पे, आ जाओ बोर्ड पे आ जाओ, बोले सर करके दिखाएं। बोले सर देखो बड़ा आसान है, सब्स्टिट्यूशन लगेगा इसमें। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ाया 1/1 + x² हुआ, क्योंकि राजू डिफरेंशिएशन का एक एक फॉर्मूला रट के बैठा हुआ है। अरे मैं भी चक्कर में पड़ गया यार, राजू ये तो सही कह रहा है, कर लेगा ये तो। का सर देखो करूं? कर बेटा, पुट tan इनवर्स x बराबर t मान लूंगा, डिफरेंशिएशन कराऊंगा दोनों साइड, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 + x² सर इधर कराऊंगा, इधर dt/dx हो जाएगा। सर dx/1 + x² की वैल्यू मिल जाएगी मुझे सब्स्टिट्यूशन जैसा कि आपने पढ़ाया था। हाँ बेटा बात तो सही कह रहा तू, तो सर dx/1 + x² = dt हो जाएगा। सही है बेटा आगे कर। अब गुरु राजू के गुरु तो गुरुजी है ना, अब गुरुजी सब देख रहे थे, बोले बेटा करो। तो लॉग सर बोले tan इनवर्स x को मैंने t माना था, बोले हाँ सर बेटा t माना तो मान लिया, हो गया सर 1/dx/1 + x² सर कितना है dt आया। अब राजू यहां पे आके अटक गया, चरणों में गिर गया राजू। सर कहे तो सही रहे थे लॉग एक्स डी एक्स, यहां पे फंस गया मेरा log t dt। सर इसे कैसे करूं, ये तो पढ़ाया नहीं है, ये सर ये तो पढ़ाया नहीं है, कुछ पढ़ा था सर, इसमें लगेंगे 7-8 मिनट, इतना टाइम नहीं है बेटा। अगर इतना टाइम लगाओगे तो क्वेश्चन छोड़ दो, फिर कंपटीशन है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर तुम्हें इसका फॉर्मूला याद होता और वो तुम्हें समझ आया होता कि कहां से बना, तो इस क्वेश्चन पे राजू की तरह आप कभी अटकते नहीं, प्रॉब्लम यहां पर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएं कम टाइम में। इसका इंटीग्रेशन हो सकता है बहुत सारे बच्चे कर भी लें, बट यार क्या करोगे, कैसे करोगे? तो इसका आंसर आएगा कि आपको पता है t log t - t, टी कॉमन ले लो। अरे सर बड़ा झन्नाटेदार चीज बताइए, ये तो ऐसा भी है सर, ये तो कभी पढ़ा नहीं, साथ में एक कॉन्स्टेंट आता है इंटीग्रेशन का, चलो लगा लो भाई। टी की वैल्यू क्या पुट कराई थी सर? tan इनवर्स x log tan इनवर्स x, या बड़ा ब्रैकेट कर लो, -1 + c। अब राजू बाद में क्लास जब खत्म हुई, राजू कह रहा है गुरुजी ये बता दो कहां से लेकर आयो, ये कहां से मिल जाए, ये सूत्र लेकर कहां से आयो। तो अब उसी बात का आंसर देने के लिए, जिसको थंबनेल देखकर जो आप यहां पे ये देखने आए हो कि log x का इंटीग्रेशन है क्या बवाल,
बवाल चीज है एकदम, बवाल चीज, यूपी की लैंग्वेज में बवाल चीज है एकदम। कैसे कराना, चलिए अब वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको बता दिया भैया डिफरेंशिएशन बच्चे बच्चों को रटा हुआ है, लेकिन आधे बच्चों को तो यही पता नहीं है ट्वेल्थ में आके लॉग एक्स का इंटीग्रेशन भी होता है। और अच्छे लेवल के बच्चों को फॉर्मूला याद है यार, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, या एक्स कॉमन ले लिया लॉग एक्स माइनस वन। अब राजू पैरों में पड़ा हुआ है, सर ये बता दो ये बता दो, तो अब कहानी इसी पे चलेगी कहां से आया ये फॉर्मूला, क्योंकि बिना मतलब के रटने का कोई मतलब नहीं है। राजू की 3 साल से आईटी नहीं निकल रही है, तो कहीं आप भी उसमें ना हो जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग फॉर्मूला। तो करना बच्चों आपको इसके लिए पड़ेगा, इसको आई मान लेते हैं लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हमें आता होता तो लिख ही ना देते, तो इंटू में वन मान लिया, इंटू में वन मान लिया, ठीक हाँ सर ठीक है मान लिया। इसको पहला फंक्शन मान लीजिए और इसको दूसरा फंक्शन मान लीजिए। सर कुछ पढ़ा हुआ तो लग रहा है, आपने पढ़ा होगा यू वी डी एक्स, ये पहला, ये दूसरा, वेयर यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स। डी एक्स लगा हुआ है तो यू और वी एक्स के कोई फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट आपने पढ़ा होगा, पहले को ऐसे छोड़ दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस जिसको छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन कर दिया डी यू ओवर डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन किया था उसका दोबारा इंटीग्रेशन कर दिया वी डी एक्स, फिर इसका जो भी आंसर आएगा उस होल का इंटीग्रेशन कर देते हैं, एंड इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का ये फॉर्मूला है। हालांकि फंक्शन मानने की भी इसमें ट्रिक होती है, आईलेट रूल होता है, आगे आने वाली लेक्चर्स में उसको मैं बताऊंगा आपको बहुत डिटेल में। फिलहाल ये आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला है। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो आपको ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसा कि डिफरेंशिएशन में बाई पार्ट होता था, सॉरी डिफरेंशिएशन में बाई प्रोडक्ट रूल होता था, पहले को छोड़ दिया दूसरा करा, फिर प्लस दूसरे को छोड़ दिया पहले का करा, सेम इसी तरीके से। तो मैंने भैया पहला इसको माना दूसरा इसको माना, तो फॉर्मूला अप्लाई करा दो। जब फॉर्मूला तुम्हारा बन जाएगा बाद में याद कर लेना ना, अगर कहीं शॉर्ट ट्रैक में फंस गए तो लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, तो इसी बात पे ध्यान दो। तो लॉग एक्स इंटीग्रेशन वन डी एक्स, वरना मैं डायरेक्ट लिख देता लेकिन आप सीख रहे हो इसलिए मैं दिखा रहा हूं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो डिफरेंशिएशन काम में आया, राजू जानता है बोले, अब राजू उछल गया अपनी सीट पे, बोले सर क्या चीज बताइए, अब मैं समझ गया पूरी कहानी, अब मैं समझ गया, राजू को भी समझ में आ गया तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स और फिर जो भी आंसर आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। तो लॉग एक्स का तो लॉग एक्स रहेगा, वन का इंटीग्रेशन हम जानते हैं एक्स होते हैं, माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, भाई लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो अभी बता रहे थे वन अपॉन एक्स, लेकिन ये कहां से आया ये भी एक सवाल है, बाद में डिस्कस करेंगे जब इसकी बात करेंगे। और वन का इंटीग्रेशन हम जानते हैं एक्स होता है, फिर जो भी आंसर आएगा उस होल का इंटीग्रेशन। बच्चों एक्स से एक्स हो गया कैंसिल, क्या आया एक्स लॉग एक्स बचा वन, वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, आगे माइनस था प्लस सी। अब भैया चाहो तो एक्स ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी, दैट्स ऑल। आपके 12 के एनसीईआरटी का भी सवाल है, यानी कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है इंटीग्रेट लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब तो ये कर ही दोगे। और अगर अभी जो मैंने सवाल कराया था मेंस लेवल का उसमें फंस गए तो भी आराम से कर लोगे। यानी कि अब अगर ऑप्शन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई क्वेश्चन आ रहा है और आपको लॉग एक्स के इंटीग्रेशन की जरूरत है, तो मुझे ये बताओ क्या 10 मिनट लगा के इसको करोगे? भाई मैं तो प्रैक्टिस है मेरी तो भैया 6 सालों की, मैंने तो कर दिया 2 मिनट में, क्या तुम 2 मिनट में कर पाओगे? क्या तुम एरर नहीं करोगे इसमें? इसलिए अब आपने समझ तो लिया है, फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, अब कहीं लॉग एक्स लॉग टी अटक जाए डायरेक्ट लगाओ एक्स लॉग एक्स माइनस वन, दैट्स ऑल। बहुत आसान आपका ये काम कर देगा। अब ये जो मैंने ट्रिक सिखाई है तो थोड़ा सा सप्लीमेंट्री, ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन निकालने में। साइन इनवर्स एक्स के मल्टीप्लाई में 1 मान ले, आगे आने वाले लेक्चर में कराऊंगा, स्टे ट्यून्ड विद मी। कॉस इनवर्स एक्स का निकाल सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स का निकाल सकते हैं इनटू में 1 मान के। तो इस ट्रिक की भी एप्लीकेशन है, इस फॉर्मूला की भी एप्लीकेशन है, और लॉग एक्स का क्या यूज हो सकता है, खतरनाक सा सवाल मैंने बनाया था। तो इसी टाइप के अमेजिंग फैक्ट अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।